किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने विधानसभा में प्रस्तुत बजट को गांव, गरीब और किसान के लिए ऐतिहासिक बजट बताया। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के सपने को भी साकार करेगा। कमल पटेल ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि किसानों के हित में निर्णय लेते हुए मुख्यमंत्री फसल उपार्जन सहायता योजना शुरू की जा रही है। बजट में इसके लिए 2000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। किसानों को 0% ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराने की योजना को पुनः प्रारंभ किया जा रहा है, जिसे कांग्रेस ने बंद कर दिया था। बजट में इसके लिए 1000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। बजट में मुख्यमंत्री किसान कल्याण निधि के अंतर्गत 3200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इससे किसान परिवारों को सम्मान निधि के रूप में प्रतिवर्ष 2 किश्तों में 2000 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। बजट में सिंचाई का रकबा भी बढ़ाए जाने का लक्ष्य तय किया गया है। सरकार द्वारा प्रतिवर्ष किसानों को दी जाने वाली बिजली की सब्सिडी पर 14,500 करोड़ रुपए को भी निरंतर रखने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि बजट किसानों की आय को पीएम नरेंद्र मोदी के सपने के अनुसार दोगुना करने के लक्ष्य को पूरा करने में सहायक रहेगा। यह बजट मध्य प्रदेश को तेजी से आगे ले जाने वाला बजट है। उन्होंने किसान हितैषी बजट के लिए मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा का प्रदेश के किसानों की ओर से आभार व्यक्त किया है। आज विधानसभा में माननीय वित्त मंत्री श्री जगदीश देवड़ा जी द्वारा प्रस्तुत बजट माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आत्मनिर्भर भारत और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी का आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के संकल्प को पूरा करने वाला है। ये चहुमुखी विकास वाला बजट है। गांव, गरीब और किसानों को ध्यान में रखकर बनाया गया बजट है। 1 रुपये का भी मध्य प्रदेश की जनता पर कोई टैक्स नहीं लगाया गया है, इसलिए ऐतिहासिक बजट है। किसान की आय दोगुना हो 2022 तक माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है उसको पूरा करने वाला है। और हमने तो माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में इसी साल चना, मसूर और सरसों 15 मार्च से खरीदने का निर्णय लिया है। जो सीमा थी 25 कुंटल की उसको भी हटाया है। जो 13 कुंटल सरसों और 15 कुंटल चना खरीदा जाता है उसको 20-20 कुंटल किया है। और उसके कारण समर्थन मूल्य से ऊपर रेट दिलाने में हम किसानों को सफल हुए हैं। इससे मध्य प्रदेश के किसानों को लगभग 16,000 करोड़ से 24,000 करोड़ का फायदा होगा। यह आजाद भारत में पहली बार होगा। इसलिए प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प 2022 का था, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने 21 में ही पूरा करने में सफल हुए हैं। इस बजट में मुख्यमंत्री किसान कल्याण निधि 4,000 रुपये प्रति किसान प्रति परिवार 78 लाख किसानों को मिलेगी, जिसके लिए 3,200 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसी के साथ 0% ब्याज पर ऋण देने का जो कांग्रेस सरकार ने बंद कर दिया था कमलनाथ जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने पुनः चालू किया, जिससे 1,000 करोड़ की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री फसल उपार्जन सहायता योजना ये पहली बार शुरू की गई, जिसके लिए 2,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम के अंतर्गत फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगेंगे, जिसमें प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश को जो 7,500 करोड़ की राशि दी है उससे किसानों के एफपीओ को किसानों को फूड प्रोसेसिंग प्लांट डालने का अवसर मिलेगा, जिससे किसान की आय 2 गुना 4 गुना 6 गुना 8 गुना और 10 गुना होगी। किसान आत्मनिर्भर होगा। किसान सिर्फ खेती नहीं करेगा, व्यापार व्यवसाय उद्योग भी करके अपनी आय बढ़ाएगा। किसान को आत्मनिर्भर बनाने वाला बजट है। गांव को आत्मनिर्भर बनाने वाला बजट है। बेरोजगारी दूर करने वाला बजट है। दो हाथ को काम देने वाला बजट है। सिंचाई का रकबा भी बढ़ाया गया है। बिजली की व्यवस्था भी सुधारी गई है। और इस प्रकार किसानों को बिजली के ऊपर भी हम सब्सिडी देते हैं 14,500 करोड़ हर वर्ष, ताकि किसान की खेती में लागत कम आए और उसकी आय बढ़े, ताकि प्रधानमंत्री जी का सपना पूरा हो। और इस प्रकार ये बजट मध्य प्रदेश को विकास की ओर ले जाने वाला, तेजी से विकास की ओर ले जाने वाला बजट है। किसान को, गांव को आत्मनिर्भर बनाने वाला बजट है और प्रधानमंत्री जी का संकल्प और सपना पूरा करने वाला बजट है। मैं माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी को और वित्त मंत्री श्री जगदीश देवड़ा जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक,
राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।